फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपको हम प्लाजो पैंट, नैरो पैंट दिखाऊंगी, एंकर पैंट जो भी बोलते होंगे। तो चलिए, इस तरीके से हमने स्टिच किया है, तो देखिए हम आपको कितना दिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास 5 डिफरेंट तरीके का एंकर पैंट, प्लाजो पैंट, नैरो पैंट ये सब है। तो हम इसकी डिज़ाइनिंग दिखाएंगे। हमने बना लिया, हमने स्टिच कर लिया है, हमने इसकी कटिंग की वीडियो और स्टिचिंग की वीडियो आपको इसमें से जिसकी चाहिए मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, आप लोग को मिल जाएगी। तो जब तक आप ये देख लीजिए इसकी डिज़ाइनिंग कैसे बनी है। तो ये है येलो वाला, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ और समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है येलो कलर का, ये देखिए इसका डिज़ाइनिंग नज़दीक से देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हमने जाली टाइप का बनाई है, ये देखिए पहनने पे इस तरीके से लगेगा ये। तो ये हमने, ये सब हमारी हैंड स्टिचिंग है, मैंने हाथ से खुद से स्टिच किया है ये देखिए। और ये हमने फैब्रिक ग्लू से लगाया है, जो हमने चिपकाने वाला रखा हुआ है उसी से ये हम नग चिपकाए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये येलो वाला में हमने नीचे से राउंड राउंड करके डिज़ाइनिंग बनाई है इस टाइप से। तो इसी तरीके से हमारा दोनों है, ये देखिए ये सबकी लंबाई 40 इंच है, मेरी नैरो और प्लाजो एंकर जो भी है मैं 40 इंच की ही होती है। ये सब मैं खुद के लिए बनाई हूँ। इस तरीके से पार्टी आने वाली है तो मैं पहले से ही रेडी कर ली हूँ अपने लिए। तो ये हमारी एंकर पैंट, ये येलो वाला की डिज़ाइन हो गई। अब हम दूसरी वाली दिखाते हैं। इस तरीके से आप भी दिखा करके बनवा सकते हैं खुद के लिए, तो इस टाइप से आप ज़रूर बनवाइएगा। तो ये हमारी येलो वाली हो गई, ऑरेंज है ये। ये हमने हल्दी के लिए जो कुर्ती बनाया है उसके लिए ये हमने ऑरेंज कलर बनाया है। अब मैं दूसरी कलर दिखाती हूँ। तो अब चलिए हम दूसरी दिखाते हैं। तो ये हम ये वाला साइड करके रख लेते हैं इस टाइप से। अब हम ये दूसरी दिखाते हैं। तो ये हमारी पिंक कलर सबकी कुर्तियाँ हैं, तो मैं अगर आप लोग को कुर्ती भी देखनी है इसकी तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पिंक वाली है, ये सबकी साइज एक ही है, सब 40 इंच ही है, सबका लंबाई 40 है, सब साइज एक ही है, सिर्फ नीचे का जो पूजा डिज़ाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। तो इस तरीके से ये है, ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हमने मोती से इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है और इसको हमने डिज़ाइनिंग बनाया है। ये देखिए कपड़े का ही डिज़ाइन बनाया है, पहले हमने प्लेट प्लेट डालकर और राउंड राउंड करके सिलाई लगाई, उसके बाद ये डिज़ाइन बन गई। तो ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन है। तो ये पिंक वाले की हो गई, दोनों में सेम है, इसमें मोती लगी हुई है वाइट कलर की, पिंक में वाइट मोती अच्छी लगती है। तो ये हमने बना लिया, अब इसको हम साइड कर लेते हैं, सबको दिखाते जाएंगे और हम साइड करते जाएंगे। तो ये येलो और ये पिंक, अब हम दूसरा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये भी काफ़ी मुझे पसंद आई, इसकी कलर भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये देखिए इस तरीके से सबकी लंबाई 40 इंच है, सबकी पोचा के डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, ये है इस तरीके से। तो इसकी देख लीजिए पोचा की डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो इसमें हमने नग लगाया है गोल्डन कलर की, उसमें हमने वाइट कलर की मोती लगाई थी और इसमें हमने नग लगाया है। तो इस तरीके से आप भी बनवा सकते हैं। ये देखिए नज़दीक से दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लगी। ये इस तरीके से दोनों का, तो आप इस तरीके का पोचा बना सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। सबकी साइज एक ही है, सबकी लेंथ एक ही है, सबकी हीप एक ही है, क्योंकि एक ही साइज़ का मैं खुद के लिए बनाई हूँ। सबकी कुर्तियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी है। तो फ्रेंड्स, ये सब कपड़ा कॉटन में, अगर आपको कॉटन में नैरो पैंट या ये एंकर पैंट बनानी हो तो आप कभी भी अगर कॉटन ले रहे हैं तो आप लेंगे लीली कपड़ा। लीली कपड़ा में शाइनिंग भी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये हम अस्तर वाला सिलवाएंगे तो और भी बेटर रहेगा, दूसरा जो फैब्रिक आता है, और बिना अस्तर का अगर सिलवाएं तो यही फैब्रिक से सिलवाएं इस तरीके से। अब मैं
और दिखा देती हूँ, तीन हमने दिखा दिया। अब हम इस तरीके से, ये हमारी गोल्डन है, तो एक हमने गोल्डन बना लिया है इसलिए कि हमारी किसी भी कुर्ती रहेगी तो हम गोल्डन से उस पर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी डिजाइनिंग देखिए कैसी है, तो इस पे हमने मैरून कलर की ये पाइपिंग टाइप की लगाकर इसमें हमने बना दी है, तो ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये भी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ हमने इसमें ओपन रखा है, सबको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से स्टिच किया है। तो ये हमारी गोल्डन कलर की है। एक और मैंने बनाई है जो कि पिंक कलर है, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आप में शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, अब मैं ये देखिए हमारा गोल्डन कलर का है, सॉरी ये हमारा लाइट पिंक है, बेबी पिंक, जिसे हम बेबी पिंक बोलते हैं। तो इसमें हमने ये कलर हम स्टिच किया था, तो इसके वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये कैसी लग रही है, ये डिज़ाइन एकदम सिंपल है, जिनको हैवी डिज़ाइन नहीं पसंद है, ज़्यादा हल्का पसंद है, तो वो इस टाइप से बनवाएं। ये देखिए इस तरीके से हमने 1.5 इंच की ओपन दी है और इस तरीके से बेबी पिंक कलर की हमने बनाई है, तो ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो आपको इसमें से किसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए आप हमें कॉमेंट कीजिए, मैं वही कटिंग और स्टिचिंग आपको दूंगी। तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए आपको इसमें से कौन अच्छा लगा, लाइट पिंक अच्छा लगा या गोल्डन अच्छा लगा या ग्रीन अच्छा लगा या पिंक अच्छा लगा या ऑरेंज अच्छा लगा, कौन अच्छा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको इसमें से क्या सीखना है मैं उसी को बताऊंगी, इसकी कटिंग भी बताऊंगी, स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो कैसा लगा ये मेरे प्लाजो एंकर पैंट की कलेक्शन, आज मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की दिखाई है ताकि आप इस डिजाइनिंग के सिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।